हेलो, मैं नीता सिंह आज आपके लिए कुछ खास लेकर के आई हूँ। वो है पिंड खजूर का अचार। आप सबको पता ही है, पिंड खजूर विटामिन ए और विटामिन के से भरपूर होता है। इसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि और फाइबर्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बड़ा ही हेल्पफुल होते हैं। आपके बच्चे को न्यूट्रिशियस कुछ फूड प्रोवाइड करना है आपको, वो भी अचार के फॉर्म में। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आप इन सब के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो हमारे पास में यहाँ पर है। सबसे पहले ये 250 ग्राम पिंड खजूर है, साथ में देखिए काला नमक है, 2 से 3 चम्मच नींबू का रस, लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा मन पाउडर है। बस इतना ही हमें लगता है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हमने ये जो नींबू का रस लिया है, इसको करीब 2 से 3 चम्मच इस तरह से फैला लेते हैं, ये देखिए। और इसके अलावा इसमें काला नमक, देखिए मैंने 1/2 चम्मच से भी कम लिया है, और थोड़ा कम ले लूँगी मैं। और इसको जितना ऐसा लग रहा है हमें, तो हमें उससे कम में काम, यदि हो रहा है तो कम में काम करना है। साथ में जो जीरा मन पाउडर लिया है, ये थोड़ा हमको ज़्यादा लेना है ताकि इससे आपका टेस्ट उभर के आए। तो ये मैंने पूरी 1 चम्मच भर के डाला, साथ में करीब आधी या इससे कम, जैसा भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से इसमें आप मिर्च मिला लेंगे। अब इसके बाद में हम इसको सिंपल सा इस तरह से अच्छे से शेक कर लेते हैं, ये देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है। और ये रेडी है हमारे डब्बे में डालने के लिए। तो आप जो भी डब्बा लेंगे, चाहे तो उसमें हींग भी डाल सकते हैं। कई लोग हींग डालते हैं, लेकिन बच्चों को कई बार हींग पसंद नहीं आता है, इस वजह से हमने सिंपल सा ये लिया है। इसमें आप चाहें तो नींबू के रस की जगह विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। विनेगर बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है, तो आप चाहें तो उसको थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मीठापन ज़्यादा है, तो थोड़ी सी मात्रा में इसमें नींबू और भी मिला सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से पूरा शेक हो गया है। और ये हमारे जो भी हमारे पास में डब्बा है, शीशी है, उसमें हम इसको रख लेंगे करीब 24 घंटे के लिए, मतलब पूरे एक दिन के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। इसमें हम सादा नमक नहीं डाल रहे हैं, सिंपल सा हमने ये रखा है, ये देखिए ये रेडी है। और इसको 24 घंटे छोड़ने के बाद में आप इसको खाने में यूज़ कर सकते हैं। देखा आपने कितना लाजवाब अचार, जो कि सिर्फ 5 मिनट में, 5 मिनट भी नहीं लगे हमें बनाने में, सिर्फ 2 मिनट में तैयार है। और सिर्फ 24 घंटे इसको हम टाइम देते हैं रखने के लिए, 24 घंटे के बाद में ये रेडी है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, खाने में दे सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यदि आपको या लाइक लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।